सर इस पोलिंग स्टेशन में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। एक तो लिस्टें बिल्कुल टोटली गलत हैं, लोगों के जो पिछले 20-25 साल से वोट डाल रहे हैं, आज उनका कोई वोट नहीं है, उनके लिस्ट में नाम ही नहीं है। कुछ लोगों का यहाँ पे नाम होना चाहिए, इस लिस्ट में नाम होना चाहिए, उनका किसी दूसरे गांव में है, किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन पे चला गया है। इतनी गलत तरीके से सारी लिस्ट बनी हुई है। सेकेंड, यहाँ पे हमेशा सिंगल जब वोटिंग होती थी किसी एक, चाहे सरपंच की हुई, चाहे MLA की हुई, कुछ भी होती थी, तो यहाँ पर क्लियरली 2 से 3 बूथ बनते थे। इस बार 2 वोट इकट्ठे डालने हैं, DDC का और सरपंच का। इवन आफ्टर दैट कुछ भी नहीं है, एक बूथ है, 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं एक बंदे को वोट कास्ट करने में। कोई सिस्टम नहीं बना रखा बुजुर्गों के लिए, पेशेंट्स के लिए, नथिंग। और एडमिनिस्ट्रेशन ने साजिशन यहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन बनाया हुआ है। हर बार जब जहाँ पे सरपंच की इलेक्शन होती थी यहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशन बनते थे, इस बार एक पोलिंग स्टेशन डेलीवेटरी बुलाया गया है। एक वोट डालने के लिए वोटर को 3 घंटे लग रहे हैं। जहाँ पे ऑब्जर्वर आए थे अश्विनी कुमार जी, उनके सामने भी हमने पॉइंट आउट किया, वो 3 घंटे पहले आए थे, मैं खुद 3 घंटे से खड़ा हूँ और अभी तक वोट नहीं कास्ट कर सका। तो जब अभी तक आप देख लीजिए कि वोटिंग अभी तक सुबह से 175 वोट पोल हुआ है, 7 बजे टोटल 750 वोट है। तो आप यहाँ पे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल प्ले किया जा रहा है।